ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कर दी जाती है, जिसके बाद वो आदमी उस लड़की को टच तक नहीं करता। आगे उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है लेडी मैकबेथ और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कैथरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से हो रही थी। वैसे तो अलेक्जेंडर काफी अमीर था लेकिन वो बहुत ज्यादा बूढ़ा भी था, लेकिन कैथरीन एक गरीब घर से थी जिसकी वजह से उसके पापा लालच में आके उसकी शादी अलेक्जेंडर से कर देते हैं। अलेक्जेंडर से शादी होने के बाद कैथरीन को एक बहुत बड़े महल में ले जाया जाता है और इसी बड़े घर में अब कैथरीन को रहना था। उसके बाद रात में अलेक्जेंडर कैथरीन के पास आता है और वो कैथी को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। कैथी भी अपने पति अलेक्जेंडर की बात मानती है और वो अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अलेक्जेंडर उसे हाथ तक नहीं लगाता और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि इतने बड़े महल में रहने के बाद कैथरीन को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और कैथरीन को एक और रूल के बारे में बताया जाता है कि दिन भर उसके साथ उसकी मेड एना रहेगी, जिसके बाद एना कैथरीन का ध्यान किसी बच्चे की तरह रखती है। अगले दिन एना कैथरीन के घर जाती है और वो उसके खिड़की और दरवाजों को खोलती है और कैथरीन को नहलाने का काम भी एना का ही था और रात में जब तक अलेक्जेंडर ना आ जाए तब तक कैथरीन को जगाने का भी काम एना का ही था। एक रात अलेक्जेंडर के डैड बोरिस कैथरीन को महफिल में बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैथरीन वहाँ पे बोर हो रही थी जिसके वजह से वो नींद का बहाना लगा कि वहाँ से चली जाती है, लेकिन एना को उसका ध्यान रखना था इसलिए एना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे अलेक्जेंडर आता है और वो फिर से कैथरीन को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद कैथरीन भी बिल्कुल वैसा ही करती है और अलेक्जेंडर उसे अपना मुंह दीवार की तरफ करने के लिए बोलता है। जब कैथरीन अपनी शक्ल दीवार की तरफ करती है तो अलेक्जेंडर भी अपने सारे कपड़े उतार के अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है, जिसके बाद ये दोनों हमेशा की तरह सो जाते हैं। अब कैथरीन को उस घर में ऐसा लगने लगा था जैसे वो इस घर में एक कैदी हो। एक दिन अलेक्जेंडर कैथरीन से बोलता है कि मैं कुछ काम की वजह से कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और ये सब बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के डैड को भी कुछ काम था और वो भी शहर से बाहर चले जाते हैं, जिसके वजह से घर में बस कैथरीन और एना ही बचते हैं। अब कैथरीन को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था इसलिए वो घर से बाहर चली जाती है। एना उसे बाहर जाने से मना करती है लेकिन वो एना की बात नहीं मानती। एक दिन कैथरीन नोटिस करते कि अलेक्जेंडर के नौकर ने एना को नंगा करके टांग रखा है और वो लोग मिलके उस बेचारे के साथ मजे ले रहे थे। उन सारे नौकर में एक नौकर का नाम सेविंस्टन था और कैथरीन सेविंस्टन को देख उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और शाम को वो अकेले में उसे अपने कमरे में बुलाती है। शाम को जब वो आदमी उसके घर आता है तो पहले कैथरीन उसे भगाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद सेविस्टन जबरदस्ती अंदर आ जाता है और वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो कैथरीन उसे मना करती है लेकिन चरम सुख का आनंद लेने के लिए वो भी उसकी बात मान लेती है और यहाँ पे वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं और ये सब होने के बाद उनकी प्रेम कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। इसके बाद इन दोनों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे मौका मिलता था ये दोनों चरम सुख का आनंद लेने लगते थे। एक दिन एना इन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो ये बात जाके सीधा पादरी को बताती है। जब पादरी कैथरीन से इसके बारे में पूछता है तो कैथरीन उसका मुंह बंद कर देती है। कुछ दिन बाद अलेक्जेंडर के डैड अपने काम को खत्म करके शहर से वापस आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी महंगी और फेवरेट शराब कैथरीन ने पी ली है और शराब खत्म होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद पादरी उन्हें कैथरीन के अफेयर के बारे में बताते हैं। ये पता चलने के बाद बोरिस सेविंस्टन को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसके बाद उसे काल कोठली में बंद कर दिया जाता है। जब कैथरीन को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो बोरिस से सेविंस्टन को आजाद करने के लिए बोलती है, लेकिन बोरिस उसे भी एक थप्पड़ लगा देता है, जिसके बाद कैथरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोरिस के खाने में जहर मिला के उसे जान से मार देती है। अलेक्जेंडर अपने काम से बाहर था इसलिए वो वहाँ पे वापस नहीं आ पाता और कैथरीन अकेले ही बोरिस का फ्यूनरल कर देती है। अब कैथरीन खुद को काफी ज्यादा आजाद फील कर रही थी क्योंकि रास्ते में आने वाले कांटे को उसने साइड हटा दिया था, जिसके बाद ये दोनों फिर से आपस में मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ चरम सुख का आनंद लेते हैं। एक रात जब ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो वो अचानक से वहाँ पे अलेक्जेंडर आ जाता है, जिसके वजह से कैथरीन सेविस्टन को अपने कमरे में छुपा देती है और वो बेड पे जाके ऐसे बैठ जाती है जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वहाँ आने के बाद अलेक्जेंडर उसे साफ बता देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर सेविस्टन के साथ चल रहा है, जिसके बाद कैथरीन भी सेविस्टन को बाहर निकालती है और वो अलेक्जेंडर के सामने ही उसके साथ गवा गप करने लगती है। ये देखने के बाद अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेविस्टन को
वहीं पे मारने लगता है। लेकिन तभी कैथरीन अचानक से अलेक्जेंडर पे एक जोरदार हमला करती है और सर पे गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और फाइनली ये दोनों मिलकर अलेक्जेंडर की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और कैथरीन अलेक्जेंडर के घोड़े को भी गोली मार देती है ताकि किसी को ये पता ना चले कि अलेक्जेंडर यहाँ पे वापस आया था। और इसके बाद ये दोनों उन्हें दफना के वहाँ से चले आते हैं। लेकिन अभी इन दोनों की मुसीबत टली नहीं थी और इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। और कुछ दिन बाद कैथरीन के पास एक लेडी आके बोलती है कि मेरी बेटी का अफेयर अलेक्जेंडर के साथ चल रहा था और ये टैडी नाम का बच्चा अलेक्जेंडर का ही बेटा है और अलेक्जेंडर की डेथ होने की वजह से इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक ये बच्चा है। जिसपे कैथरीन उस लेडीज को बोलती है कि मेरा हस्बैंड अभी तक मरा नहीं है, वो बस लापता है। लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई थी जिसके वजह से वो बच्चा और लेडीज उसी महल में रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन सेविस्टन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन किसी बात पे कैथरीन की बहस टैडी से हो जाती है और गुस्से में आने की वजह से कैथरीन टैडी को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद टैडी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी घर से निकल के कहीं चला जाता है। जिसके बाद सब लोग मिलकर टैडी को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी तरह सेविस्टन को टैडी एक झरने के पास मिलता है, जिसके बाद सेविस्टन उसे पकड़ लेता है और उसे वापस से महल ले आता है। रात में कैथरीन सेविस्टन से बोलती है कि हमें अपने रास्ते से टैडी को हटाना होगा, जिसके बाद ये दोनों मिलकर टैडी का दम घोट के उसे जान से मार देते हैं। लेकिन ये हत्या करने के बाद सेविस्टन जब उसे दफनाने के लिए जाता है तो उसे खुद के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो डिसाइड करता है कि वो सब लोगों को सब कुछ सच बता देगा, जिसके बाद वो सीधा ऑफिसर्स के पास जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और वो उन लोगों के पास कहता है कि टैडी अलेक्जेंडर और बोरिस को कैथरीन ने ही मारा है और इन सब हादसों में मैंने कैथरीन का साथ दिया है। लेकिन यहाँ पे कैथरीन अपनी सफाई पेश करती है और वो बोलती है कि सेविस्टन और एना ने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लालच में किया है। हालांकि एना निर्दोष थी लेकिन सब लोग कैथरीन की बात पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एना भी कुछ नहीं बोलती और सेविस्टन और एना को जेल ले जाया जाता है, जिसके बाद कैथरीन वहाँ पे बच जाती है और वो अकेले उस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 72% लाइक किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।